Hello, my dear kids. Welcome back. I'm Vandana and we are learning Maths by Brain Root series. Here, this is a book and the name of your book is Mathematics World Wins. And this is book primer. So today we will learn chapter number 3. And the name of the chapter is ordinal numbers. So do you know what are ordinal numbers? क्या आज से पहले आपने ये नाम सुना है? So चलिए पढ़ते हैं क्या होते हैं ordinal numbers. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक टेबल बनी हुई है और ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. क्लियर? तो पहला पार्ट है जहाँ पे लिखा हुआ है कार्डिनल नंबर्स और जो दूसरा पार्ट है उसमें लिखा हुआ है ऑर्डिनल नंबर्स. ठीक है, तो क्या होते हैं कार्डिनल नंबर्स? लेट्स रीड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ये सारे नंबर जो मैंने बोले ये क्या हैं? कार्डिनल नंबर्स. अब इन नंबर्स की स्पेलिंग भी दी गई है. क्या है इनकी स्पेलिंग? ओ एन ई वन टी डब्ल्यू ओ टू टी एच आर डबल ई थ्री एफ ओ यू आर फोर एफ आई वी ई फाइव एस आई एक्स सिक्स SEVEN 7, EIGST 8, NINE 9, TEN 10. Next, अब ordinal numbers पे आ जाते हैं जल्दी से. कौन कौन से ordinal numbers हैं? इन्हीं 1 to 10 को हमने ordinal numbers में लिखा है. अब आप देख सकते हो जब हम cardinal numbers लिखते हैं तो हम 1 से 10 तक ऐसे लिखते हैं. क्लियर? लेकिन जब हम ऑर्डिनल नंबर्स लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं. वन के पहले लगा दिया एस टी, क्या बन गया? फर्स्ट. एफ आई आर एस टी फर्स्ट. टू के बाद लगा दिया एन डी, तो क्या पढ़ेंगे इसे? सेकेंड. एस ई सी ओ एन डी सेकेंड. ये क्या लिखा है? थ्री के बाद लगा दिया आर डी, तो ये बन गया थर्ड. टी एच आई आर डी थर्ड. फोर्थ, फोर के बाद लिखा टी एच, तो ये बन गया फोर्थ. तो फोर की जो स्पेलिंग है एफ ओ यू आर फोर और उसके बाद लगा टी एच फोर्थ. नेक्स्ट है फाइव एंड देन टी एच, तो ये बन गया फिफ्थ. F I F T H fifth. Next है six. S I X six और T H लगा के बन गया third, sixth. Seventh. S E V E N T H seventh. Next है eighth. E I G H T H eighth. Next is ninth, N-I-N-T-H, ninth. और लास्ट में जो नंबर बचा वो है टेंथ, तो T-E-N-T-H, टेंथ. तो ये जो ऑर्डिनल नंबर्स है पता है क्या बताते हैं? ये जो नंबर्स हैं ये पोजीशन बताते हैं. क्या बताते हैं? पोजीशन, कौन किस नंबर पे खड़ा है. क्लियर? तो जब आप स्कूल जाते हैं, असेंबली में जाते हैं, तो क्या होता है? आप एक लाइन बनाते हैं, लाइन में खड़ा होते हैं, तो सबसे पहले कौन सा बच्चा खड़ा होता है? जिसकी हाइट बहुत ही कम होती है, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, और सबसे लास्ट में जो बच्चा खड़ा होता है वो उसकी हाइट सबसे ज़्यादा होती है. तो ये जो ऑर्डिनल नंबर्स है ये हमें पोजिशन बताते हैं, कौन किस नंबर पे खड़ा है. सिमिलरली यहाँ पे आपको एक बस की पिक्चर दिख रही है जिसमें कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं? चढ़ रहे हैं. सब अपनी बारी का
वेट कर रहे हैं। क्या धक्का दे रहे हैं एक दूसरे को? नो, हमें एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए, हमें अपनी बारी का वेट करना चाहिए। तो देखिए कितने अच्छे से बच्चे खड़े हैं ना। आप बताओ कौन सा बच्चा है जो फर्स्ट नंबर पे है? वो बच्चा जो डोर के एकदम पास है। तो वो बच्चा जो डोर के पास है वो है फर्स्ट नंबर पे। उससे पीछे जो बच्चा है वो है सेकेंड नंबर पे। फिर उससे पीछे जो है वो है थर्ड। फिर ये जो गर्ल है ये है फोर्थ नंबर। फिर फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर, सेवेंथ नंबर, एट्थ नंबर, नाइन्थ नंबर एंड टेंथ नंबर। तो ये जो बच्चा है टेंथ नंबर पे, ये सबसे लास्ट बच्चा है, सबसे लास्ट में ये चढ़ेगा। तो सबसे पहले ये फर्स्ट नंबर वाला बच्चा जा रहा है। अब ये जब बस में चला जाएगा तो जो सेकेंड नंबर का बच्चा है उसकी टर्न आएगी, फिर थर्ड की आएगी, फिर फोर्थ की आएगी, फिर फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ और फिर टेंथ बच्चे की टर्न आ जाएगी। सो दीज आर ऑर्डिनल नंबर्स। सो लेट्स प्रैक्टिस व्हाट वी हैव लर्न। क्या क्या हमने पढ़ा है जल्दी जल्दी से देखते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू फिल द मिसिंग कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स। तो कार्डिनल नंबर्स भी फिल करने हैं और ऑर्डिनल नंबर्स भी फिल करने हैं। तो पहले देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे एक नंबर है, कौन सा नंबर है ये? यस, यू आर राइट, ये तो है सेवन। तो जल्दी से सेवन की स्पेलिंग लिखते हैं, एस ई वी ई एन, सेवन। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। वन, तो वन की स्पेलिंग है ओ एन ई वन। ओके, नेक्स्ट है टी एच आई आर डी, क्या बन गया? थर्ड। तो जल्दी से लिख देते हैं थ्री और आर डी, थर्ड। नेक्स्ट एफ ओ यू आर टी एच, क्या बन गया? फोर्थ। तो जल्दी से फोर लिख के और टी एच लगा देते हैं, बन गया फोर्थ। नेक्स्ट कौन सा नंबर है? टू, तो जल्दी से स्पेलिंग लिख देते हैं टी डब्ल्यू ओ टू। नेक्स्ट इज फाइव, एफ आई वी ई फाइव। नेक्स्ट नंबर है सिक्स्थ, एस आई एक्स टी एच सिक्स्थ। तो सिक्स लिख के टी एच लगा देना है। नेक्स्ट है एट, सो ई आई जी एच टी एच एट, तो एट लिख के टी एच लिख देंगे। नेक्स्ट इज टेंथ, सो ओके नेक्स्ट नंबर इज टेन, सो लेट्स राइट डाउन द स्पेलिंग टी ई एन टेन। अगला नंबर है नाइन, एन आई एन ई नाइन। क्लियर चिल्ड्रन? सो ऐसे इस एक्सरसाइज को हमें कंप्लीट करना है। नाउ टेक द करेक्ट पोजिशन ऑफ वेजिटेबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं। क्या आप वेजिटेबल्स खाते हो? यस, वी शुड ईट वेजिटेबल्स। क्यों? क्योंकि वेजिटेबल्स क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स की पिक्चर दी गई है, चलिए इन्हें पहले नंबर दे देते हैं। नंबर वन पे कौन सी है? टमाटो। नंबर टू, नंबर थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड टेन। तो क्या आपको इन सारे वेजिटेबल्स के नाम पता है? सो दीज आर द टेन वेजिटेबल्स। आप चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो वेजिटेबल है, जो पोटैटो है, वो कौन से नंबर पे है? क्या पोटैटो फर्स्ट नंबर पे है, क्या वो सेकेंड नंबर पे है, या वो थर्ड नंबर पे है? तो जल्दी से देख के बताइए पोटैटो कौन से नंबर पे है। यस, यू आर राइट, पोटैटो इज ऑन सेकेंड नंबर। नेक्स्ट नेक्स्ट पिक्चर है पीज। पीज मीन्स मटर, जो हम सर्दियों में खाते हैं ना। तो अब आप बताओ ये पीज कौन से नंबर पे है? ऊपर से देख के बताएंगे आप। क्या पीज सिक्स नंबर पे है,
सेवेंथ नंबर पे है या एट्थ नंबर पे है? यस, पीज है सिक्स नंबर पे. नाउ सी, क्वेश्चन नंबर सी. नेक्स्ट पिक्चर है किसकी? लहसुन. खाते हैं आप? बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए. सो लहसुन को हम इंग्लिश में कहते हैं गार्लिक. तो गार्लिक कौन से नंबर पे है? फर्स्ट नंबर, टेंथ नंबर या फिर सेकेंड नंबर? तो जल्दी से देख के बताइए. इट इज ऑन टेंथ नंबर. ओके, फोर्थ पिक्चर किसकी है? कैबेज की, पत्ता गोभी. आप बताइए जल्दी से, कैबेज कौन से नंबर पे है? फोर्थ, फर्स्ट या फिर फिफ्थ? तो कैबेज है फिफ्थ नंबर पे. दिख रहा है ना आपको? सो दीज आर द नंबर्स ऑफ द वेजिटेबल्स. द फिश आर इन अ रेस. ये जो फिश है ये क्या कर रही है? रेस कर रही है. कौन फर्स्ट आएगा, कौन फर्स्ट आएगा? आप भी करते हो कभी रेस क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ? तो यहाँ पे ये जो फिश है ये भी रेस कर रहे हैं कि मैं, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे फर्स्ट आना है. तो हमें क्या करना है? हमें एक पिक्चर को कलर करना है. कलर करना है उस फिश को अकॉर्डिंगली. ऑल्सो राइट द ऑर्डिनल नंबर्स. हमें ऑर्डिनल नंबर भी लिखना है. तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट नंबर पे क्या कह रहा है? कलर द फर्स्ट फिश रेड. तो कौन सी फिश है जो फर्स्ट नंबर पे है? कहाँ पे है वो? यहाँ है. तो इस फिश को हमें करना है रेड कलर. क्लियर? अब है तो हम यहाँ लिख देंगे F I R S T, फर्स्ट. नेक्स्ट है कलर द सेकेंड फिश ग्रीन. अब जल्दी से बताओ सेकेंड फिश कौन सी है? यहाँ पे है सेकेंड फिश. तो जल्दी से इसे हम कर देते हैं ग्रीन कलर. एंड यहाँ पे लिख देते हैं S E C O N D, सेकेंड. नाउ थर्ड फिश को हमें करना है ब्लू कलर. तो कहाँ है थर्ड फिश? यहाँ पे. तो जल्दी से इसे ब्लू कलर से हम फिल कर देते और लिख देते हैं T H I R D, थर्ड. अब जो है फोर्थ फिश को हमें करना है येलो कलर. तो कहाँ है येलो कलर? यहाँ पे है. तो चलिए देखते हैं फोर्थ फिश कहाँ है. यहाँ. जल्दी से येलो कलर हमने कर दिया और इसमें लिख दिया F O U R T H, फोर्थ. क्लियर? अब फिफ्थ फिश को करना है हमें पिंक कलर. तो जल्दी से देखते हैं पिंक कलर कहाँ पे है. यहाँ पे है. तो चलिए जल्दी से देखिए फिफ्थ फिश कहाँ है. यहाँ. तो हमने इसे कर दिया पिंक कलर. अब हम लिख देते हैं F I F T H, फिफ्थ. अब सिक्स फिश को क्या करना है? पर्पल कलर. तो जल्दी से कर देते हैं सिक्स फिश को पर्पल. यहाँ पे है हमारी सिक्स फिश, S I X T H, सिक्स्थ. ओके, सेवेंथ फिश को करना है. नाउ चिल्ड्रन, सिक्स फिश को करना है हमें ब्राउन कलर. तो जल्दी से देखते हैं कहाँ पे है ब्राउन कलर. हियर, यहाँ पे है ब्राउन कलर. तो जल्दी से सिक्स्थ फिश को हम कर देते हैं ब्राउन. दिस इज ब्राउन. अब लिख देते हैं एस आई एक्स टी एच, सिक्स्थ. अब सेवेंथ फिश को करना है हमें पर्पल कलर. तो जल्दी से पर्पल कलर लेते हैं और सेवेंथ फिश को कलर कर देते हैं. दिस इज सेवेंथ फिश. लिख देते हैं एस ई वी ई एन टी एच, सेवन. एट्थ फिश को करना है ब्लैक कलर. तो जल्दी से एट्थ फिश कहाँ है? यहाँ पे है. तो जल्दी से इसे ब्लैक कर देते हैं एंड लिख देते हैं ई आई जी एच टी एच, एट. नेक्स्ट है नाइन्थ फिश, ऑरेंज कलर. तो यहाँ पे है ऑरेंज कलर. जल्दी से कर देते हैं नाइन्थ फिश को ऑरेंज. हियर इज दिस. अब लिखते हैं एन आई एन टी एच, नाइन्थ. नेक्स्ट इज कलर द टेंथ फिश ऑफ योर ओन चॉइस.
तो यहाँ पे एक टेंथ फिश रह गई है, आपको जो भी कलर अच्छा लगता है उससे आप इसे कलर कर सकते हो। और यहाँ पे आपको लिखनी है टी ई एन टी एच टेंथ। सो लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज चिल्ड्रेन। आई होप यू एंजॉयड इट एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।